जय यीशु की। प्यारे असी प्रार्थना करिए। प्यारे प्रभु, असी मदद मांगते हाँ, साढ़े ते अपनी रोशनी पा दो, तेरे बारे जानने लई, तेरे वचन नू समझण दे लई। प्रभु जी, अपनी रोशनी मेरे उत्ते भी, तेरे वचन नू सुनने वाले सब लोगों उत्ते पा दे। पवित्र आत्मा की अगवाई विच प्रभु जी, तू जो चाहुंदा है उही गल कहण लई, अते उस दे जो मतलब है इस नू सही तरीके नाल स्वीकार करके तेरी महिमा करन दे लई, ते साड़ी भलाई होण दे लई आशीष प्रदान कर। असी मंगदे हम अपने प्रभु यीशु मसीह राहीं, आमेन। मसीह विच प्यारियो, असी परमेश्वर दी प्रगटावा दे उत्ते विचार कर रहा सी। परमेश्वर ने जो अपने आप नू प्रगट किया है, इंसान उत्ते प्रगट किया है, ते साडे उत्ते अपने आप नू प्रगट करन वाला परमेश्वर इस तरीके दे नाल साडे उत्ते प्रगट किया है कि असी उन्हां गल्लां नू समझ सकीए। परमेश्वर दी प्रगटावा इंसान स्वीकार करना है, इंसान नू समझ में आना है। तो जो प्रगटावा होया है, परमेश्वर ने अपने आप नू जदों इंसान उत्ते प्रगट किया, इस दी पूर्णता असी पिछे ये देखिया है कि प्रभु यीशु परमेश्वर दा पुत्र, पाक तसलीस खुदा दा दूसरा शख्स इस संसार दे विच आके उसनू संपूर्ण बना दिता, उसनू पूरा किया है। अते इस प्रगटावा नू पवित्र आत्मा इंसान दे विच आके इस प्रगटावा नू होर डूंघाई दे विच इंसान नू आगे ले चलदा है। नवी प्रगटावा नहीं, जो प्रगटावा है जो प्रभु यीशु ने पूरा किया, उसनू अगे होर समझाउंदे रहिंदा है, अगे होर दसदे रहिंदा है। ये पवित्र आत्मा ही है जो आदि विच रचना करन दे वेले खुदा बाप ते खुदा बेटे दे नाल सी। वही पवित्र आत्मा दे जरिए ही खुदा बाप ने अते खुदा बेटे ने संसार दी रचना की थी। अते वही पवित्र आत्मा हुण भी साडे नाल गल करदा है। जिन्ना उते पवित्र आत्मा आके वसदा है, वो उन्हां सच्चाईयां वल ही लेके जावेगा, अते उन्हां सच्चाईयां दी उस दी डूंघाई दे विच उस दा मतलब ही वो समझाउंदा है, जो पहला ही प्रगट किया गया है। ते वो साडे तक पहुंचन दा जरिया असी ये कहा सी पिछे कि जुबानी तौर ते जो आया है, ते लिखती रूप दे विच भी जो आया है। जुबानी तौर ते जो कहा है वो प्रगटावा, वो एक रिवाज दे तौर ते, रसूली रिवाज दे तौर ते उन्हां दे हाथ रखे, अभिषेक देखे, आगे उत्तराधिकारियां नूं चुन के नियुक्त करन दे राही कलीसिया दे विच हुण भी वो जीवित रहिंदा है। इसी तरह साडे विच जीवित रहन वाला दूसरा परमेश्वर दे प्रगटावा दी संखेप है पवित्र बाइबल। परमेश्वर दा वचन जदों मसीह कहिंदा है, ये परमेश्वर दा वचन जो आदि विच वचन, जिस तरह संत यूहन्ना सानू दसेगा, आदि विच जड़ा शब्द या जो वचन है, वही वचन ही पूरा बाइबल दे विच हौली हौली प्रगट होके साडे सामने आउंदा है। इसनू जदों मसीह बार बार पढ़ेगा, पवित्र आत्मा सानू रोशनी देवेगा कि इस दी डूंघाई दे विच इस दी अर्थ नू समझ सकीए, अते जिसनू असी इस दे विच लभदा है वो होर कोई नहीं, परमेश्वर दी प्रगट होया पुत्र यीशु मसीह ही है। तो पवित्र बाइबल असल विच प्रभु यीशु नू ही साडे सामने प्रकट करदा है। प्रभु यीशु खुद ये बोला है, मेरे बारे जो घटनावां वापरना है, इन्हां सब गल्लां दे बारे आदि तो लेके जेड़ियां गल्लां लिखियां होया है पवित्र बाइबल दे विच, प्रभु यीशु एमाउस जानदियां उन्हां छेलियां नू समझाउंदा है।
धर्म ग्रंथ दियां गल्लां उन्हां नूं समझ में नहीं आया सी, पर प्रभु उन्हां नूं समझाया जिहड़ियां गल्लां आदि तो ही परमेश्वर ने लिखती रूप दे विच वक्ख वक्ख इंसानां वक्ख वक्ख समय दे विच संसार दे विच जो प्रगट कीता, इसलिए कि इंसान हौली हौली ही सब कुछ समझता है। जिस तरह एक बच्चा सब कुछ एकदम समझते नहीं है, जैसे वो उम्र दे विच बढ़ेगा उस दे समझ बढ़ते रहेंगे। ठीक इसी तरह ही विश्वास संगत दे विच भी उसका पैदाइश तो लेके वो आगे चल के इस दी मतलब नू विश्वास संगत समय समय होर डूंगाई दे विच जितना वो समझ सकनगे उतना ही पवित्र आत्मा उन्हां उत्ते प्रगट करदे रहिंदा है। इसी करके असी ये देखना है परमेश्वर दे प्रगटावा लिखती रूप दे विच जो साढ़े कोल है इसनू असी पवित्र ग्रंथ पवित्र बाइबल कहिंदा है। बाइबल जिहड़ी है कलीसिया अपने सिखिया दूसरे वतीकन काउंसिल दे सिखिया दे राही देई वर्बुम दे राही सानू ये बताएगा कि परमेश्वर ने अपने मेहर दे नाल साढ़े उत्ते अपने आप नू प्रगट कीता अते अपने आप नू प्रगट करन दे लई उही जरिया अपनाया जो असी समझ सकते हाँ। वो की है साढ़े नाल बोलन दे लई परमेश्वर अपनी आत्मा आदि विच किसी इंसान दे उपर आए अते उस इंसान दे जरिए वो बोले। मूसा अते बाकी सारे नबियां दे राही वो जो बोला है वो उन्हां दी अपनी नहीं, वो परमेश्वर दी गल है। ये पवित्र आत्मा उन्हां दे विच आके उन्हां दे राही बोला है। इसी करके जो नबियां जो प्रोफेट्स जोड़ी है उन्हां दे राही जो दसिया गया गल्ला है ये सारे उन्हां दे बुद्धि दे भावना दे नाल बनाया होया चीज़ नहीं, प्रभु कहंदा है, ये प्रभु बोला है इंसान दे जुबान दे राही, पर बोलन वाला प्रभु है। ठीक इसी तरह जदों हम परमेश्वर दी प्रगटावा पूर्ण तौर ते साडे विच होना है उस समय परमेश्वर साडे वांग इंसान बन के साडे नाल बोलदा है। पुराने समय दे विच नबियां दे ते धर्म पुरखां दे राही परमेश्वर बोला है, तो हुण परमेश्वर आप एक इंसान बन के साडे नाल बोलदा है कि साडे अपने लेवल दे विच आके वो साडे नाल गल करदा है। तो इसी करके परमेश्वर दी प्रगटावा जो लिखती रूप दे विच है वो एक ही शब्द में बोलेगा तो ये यीशु मसीह है। इट इज क्राइस्ट, क्रिस्तोस, प्रभु यीशु। तो यीशु ही ये वचन सानू दिंदा है। तो वो साडे वांग एक इंसान बन के, इसका मतलब ये है इंसान दी कमजोरी हालत दे विच वो इंसान दिया सब जो कमी है वो सब स्वीकार करके, मतलब फिराने समय दे विच उसका जन्म, इतना साल उन्हां दी जिंदगी अते इस 33 साल दे विच जो जिंदगी है वो किते किते चला है, किस तरीके दे नाल बात किया है, किस तरीके दे नाल उन्हें भोजन किया है, किस तरह उन्होंने दुख झेलिया है, ये सब एक इंसान ने किया। इसी करके ही बहुत सारे लोगों हुण भी ये समझ में नहीं आता है या स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, यीशु मसीह वो तो एक इंसान है, यीशु मसीह खुदा है, ये समझना बहुत लोगों मुश्किल है। पर प्रभु यीशु खुदा है इस दे बारे पवित्र वचन दे विच प्रभु यीशु बार बार ये गल कह के मैं हाँ जो हाँ कह के प्रभु यीशु ने स्थापित किया है। आखिर दे विच प्रभु यीशु पिलातुस दे सामने ये बोलेगा कि तुसी कहिंदे हो कि मैं राजा हाँ, मैं ये सच्चाई दी प्रकट करन लई आया हाँ।
सच्चा जो है परमेश्वर की सच्चाई अते इस सच्चाई नू पहचानन दे विच इंसान समर्थ नहीं है, इंसान उदे लई तैयार नहीं है। इंसान झूठियां गल्लां उते ज़्यादा भरोसा रखता है। जो असली सच्चाई है इसनू स्वीकार करन दे विच इंसान की कमजोरी हालत उसनू रुकावट पाउंदा है। कड़ी कमजोरी हालत है, पाप की जो कमजोरी है वो अलग अलग स तरीके दे नाल प्रगट होवेगा। कई बारी वो घमंड दे करके होंगे, कई बारी वो इंसान दे जो इमोशनल या अपने शरीरी तौर पर कमजोरी दे करके होंगे, या अपने बुद्धि दे विच ये गल्लां समझ में नहीं आंदे है, ते कई गल्लां हो सकता है, स्वार्थ दे हो सकता है। तो ये सारियां गल्लां परमेश्वर नू प्रभु येशु जो सच में खुदा इंसान बन के जदों आया है, बहुत सारे ने उसनों स्वीकार किया, पर इस तो ज़्यादा लोग उसनों स्वीकार नहीं किया। अते हुण भी जो इस सच्चाई जदों प्रगट हुंदा है इसनों स्वीकार करन दे लई जो तैयार है बहुत लोग है, पर स्वीकार करके उस दे मुताबिक जीवन दे लई जो तैयार है बहुत घट है। तो जिन्हां ने वो स्वीकार भी करता है वो अपने इंसान की सोच दे नाल उसनू स्वीकार करता है। पूर्ण तौर पर पवित्र आत्मा की अगवाई विच अपने आप नू रखण दे लई तैयार होने वाले लोग बहुत कम है। इसीलिए निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है, मतलब मेरे बुद्धि दे नाल प्रभु जी मैं नहीं चलांगा। परमेश्वर ने अपने आप नू जेकर प्रगट किया है, परमेश्वर ने अपने आप नू प्रगट किया है, उस प्रगटावा की संपूर्णता येशु मसीह ही है। इसी करके जदों इस तरह कलीसिया सानू समझाउंदा है, जदों खुदा बाप ने अपने पुत्र नू साडे लई दे दिता है, उस खुदा बाप ने अपना सब कुछ उस दे नाल सानू दे दिता है। तो इसनू समझना है, जदों खुदा ने अपने पुत्र नू साडे लई दे दिता है तो खुदा बाप ने अपना सब कुछ साढ़े लिए दे दिता है। इस तो इलावा होर कुछ नहीं रह गया है जो खुदा सानू दे सकता है। आदि विच परमेश्वर ने एक शब्द बोलिया सी, एक वचन बोला, वही वचन पूर्ण तौर पर वो साढ़े लिए दे दिता है। वही वचन है देहधारी होके संसार दे विच कुवारी मरियम तों जन्म लेके साडे वांग इंसान बन के साडे विच रहा। तो इसी करके इस तो इलावा और कुछ खुदा दे नहीं सकता है, मतलब खुदा बाप अपने आप नू साडे लई दे दिता है, अपने सब तो प्यारा पुत्र नू ओ साडे लई दे दिता है। इस तो इलावा खुदा बाप कुछ भी सानू दे नहीं सकता है। खुदा बाप आप येशु मसीह दे विच साडे कोल आउंदा है। इसी करके प्रभु येशु कहिंदा है कि जो मैनू देखता है खुदा बाप नू देखता है, जो मैनू स्वीकार करता है मेरे कलन वाले पिता नू स्वीकार करता है। अति इसी तरह जो तुहानू सुनदा है मैनू सुनदा है, जो मैनू सुनदा मेरे पिता नू सुनदा है। देखो तो खुदा अपने आप नू साडे लई दे दिता, ये गल असी समझना। पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन जिहड़ी है लिखती रूप दे विच सानू दे दिता है, ये परमेश्वर का वचन है। अते इस तरह ही प्रभु ने साड़े लई जो भी जरूरत है वो सब इस दे विच छुपिया होया है। अते इस खजाने नू जितना असी इस दी जांच करोगे, इस जितना ज़्यादा असी इस नू पढ़ोगे, जितना ज़्यादा इस दी अध्ययन करोगे, उस दे मुताबिक परमेश्वर दी मर्जी अते जीवन वो असी अपना सकनगे। इसी करके जरूरी है कि पवित्र वचन नू उस दी जो जगह है वो देना। तो येशु मसीह जदों मनुख बन के इस संसार दे विच आया, प्रभु ने बहुत सारी गल्लां कहा है। केड़ी बोली विच बोला? इंसान दी बोली विच बोला है, ताकि इंसान उस नू समझ में आए। तो खुदा बाप ने जेड़ा वचन संसार ले दिता है वो वचन हुण इंसान दे रूप दे विच, इंसान दे वचन शब्द दे के
वो साढ़े नाल गल करता है। जो वचन के जरिए साढ़े नाल बोलन वाला वो बदन भी बना है। प्रभु येशु अपने वचन सानू देन दे नाल नाल यूहन्ना दे अंजील दे छे बाब दे विच विस्तार नाल प्रभु दसेगा, मैं स्वर्ग तो उतरिया रोटी हाँ। तो वचन दे नाल वो सानू रोटी भी दिता है। अते ये रोटी जड़ी है प्रभु कहेगा, ये जो रोटी है ये मेरा अपना बदन है। तो ये एक मिसाल दे तौर पर नहीं, इसी करके वो बड़े जोर दे नाल कहेगा कि मेरा ये जो रोटी तुसी जो खांदा है वो मेरा बदन है, जो प्याला तुसी पींदे मेरा लहू है। एक निशानी नहीं, ये मेरा बदन अते मेरा लहू है। अते मेरे इस बदन अते लहू तो बगैर तुहाडे विच जीवन नहीं होवेगा। तो वचन साडे दिमाग नूं संपूर्ण बना लेंदा है, साडे दिमाग दे विच रोशनी पाउंदा है। पर प्रभु येशु दा बदन अते लहू साडे अपने शारीरिक जिंदगी दे लई भी वो साडे लई दवाई है या साढ़े लिए पोशाक। तो असी इस गल नूं समझना है। तो कलीसिया इसी करके आदि तो ही वचन अते बदन इन्हां दोवां दी आदर कीता है। अते कुछ समा क्योंकि प्रिंटिंग मशीन वगैरह पहले हुंदा नहीं सी, वचन दियों कॉपियां बना के लोगों नूं तक पहुँचाना ये संभव नहीं सी। इसी करके पहले 15 सदी तक तकरीबन जो वचन है बाइबल है वो सिर्फ संन्यास्त लोगों के कोल ही सीमित रहता सी, क्योंकि जो संन्यासी बनता है उन्हां दा पहला काम यही सी बाइबल नू वो हत्थ दे नाल लिखते उस दियां कॉपियां बनाउणा। अते इसी तरह कॉपियां बना के ही दुनिया के अंत तक कोने कोने तक वो पहुँचाते रहे। तो जो परमेश्वर ने इंसान दे बुद्धि नू चमकाया तो प्रिंटिंग प्रेस की काम होए, हुण प्रभु का वचन प्रिंट माध्यम के राही हुण हर घर हर इंसान के कोल पहुँचाया। तो इस करके पवित्र वचन का आदर घटता नहीं, क्योंकि प्रभु हर इंसान के लिए अपने आप को दिंदा है, वचन भी दिंदा है बदन भी दिंदा है। तो इसी करके उतना ही आदर दे नाल असी प्रभु दे वचन नू पढ़ना चाहिदा है, अपने घर विच संभाल के रखना चाहिदा है, जितना असी आदर अते प्यार प्रभु येशु नू ही दिंदा है। इसी करके ही संत पौलुस पहला कुरिन्थुस दे 11 बाब दे विच दसेगा कि प्रभु भोज दे विच जो तुसी रोटी खांदे हो ते प्याला विचों पींदे हो ये प्रभु येशु दा मौत नूं सानूं असी याद करदे हां जो उसने किया है। इसी करके बिना सोचे समझे अपने आप नूं परखण तो बगैर कोई इस दे विच भागीदार नहीं होना चाहिदा है, क्योंकि जो बिना समझे बिना अपने आप नूं शुद्ध करके पवित्र रोटी या पाक शराकत विच हाजर हुंदा है वो अपने आप नू दोषी ठहराएगा। तो इसी करके ये गल असी समझना है कि पवित्र वचन जो है ये प्रभु येशु है, ये वचन साडे जिंदगी दे लई बहुत जरूरी है। जिस तरह रोटी साडे शारीरिक जीवन दे लई जरूरी है, प्रभु येशु साढ़े शरीर नू ही अपना ही शरीर अते मंदिर बनाया है, असी परमेश्वर दे शरीर दे अंग हाँ। तो इस शरीर दे विच प्रभु अपना ही बदन अते अपने ही लहू साढ़े इस शरीर दी पोशाक दे तौर ते दिंदा है, सिर्फ शरीर वास्ते नहीं साढ़े रूह दे लई भी है, आत्मा दे विच वो आउंदा है। इस दे नाल साढ़े दिमाग जारी साड़ी बुद्धि नू प्रकाशित करन लई प्रभु वचन दे राही साढ़े नाल बोलदा है। तो ये दोनों चीज़ां साढ़े लई जरूरी है। मैनू पता है बहुत सारे लोग एक ही चीज़ लेके गुमदा है, मतलब वचन लेके वचन दे माध्यम दे राही ही वो प्रभु दे नाल उन्हां दा संपर्क रहिंदा है। पर जदों वचन नू
डूंगाई दे विच सही तरीके से समझ में आएगा तो फिर पता लगेगा कि प्रभु ने कलीसिया की स्थापना दे राखी ये जो काम है प्रभु की मौजूदगी अते साढ़े दिलां दे विच आवन दी जो तरीका है सिर्फ वचन दे राही नहीं, वचन जो मांस बना है, मतलब यूहन्ना जिस तरह देखा आदि विच शब्द सी, शब्द जो देहधारी होके साढ़े विच रहा, ठीक इसी तरह ही जड़ा वचन वो साढ़े नाल बोलता है वो देहधारी होके बदन बन के भी वो साढ़े कोल आउंदा है। जो पाक्षरागत बारे सिखिया दिंदा है उस वेले ये भी दसेगा कि जिस तरह ट्रांसबस्टैंसीएशन है तो कौन सबस्टैंसीएशन है, तो मतलब यही है कि जिहड़ा जो रोटी अते दाखरस असी पाकमास दी कुरबानी दे विच स्वीकार करदे हाँ इस दी जेकर ये रूप अते इस दा जो टैक्सचर जे स्वाद जो है जदों प्रभु साढ़े कोल आउंदा है सानू जीवन देण दे लई जदों आउंदा है ये जो वचन जो है साढ़े कोल आउंदा है ते बदन बन के भी वह जदों साढ़े कोल आउंदा है सानू जदों पाक्षरागत बारे जदों असी सिखिया देंदे हाँ उस वेले असी कहेगा कि देखो जी ट्रांसबस्टैंसीएशन जो हुंदा है मतलब जो पाक्षरागत प्रभु येशु का बदन बनता है तो दाखसार जो है वह प्रभु लहू दे विच बदल जाता है ये देखण दे विच इस दे विच कोई फर्क नहीं पैंदा है। ये क्यों है? कारण यही है कि जेकर ये असल विच मतलब असल तौर पर वह बदल रहे पर जेकर इंसान दे स्वाद दे लई वह मांस लगता है या मांस लगता है अते जो दाखसार जो है वह खून बन देगा इंसान उसनू खा नहीं पाएंगे पी नहीं पाएंगे। इसी करके परमेश्वर ने एक डबल चमत्कार उत्ते करता है वो है कि जो रोटी है जो प्रभु का बदन बना है उसनू रोटी दे रूप दे विच भी वह रहने दिंदा है ताकि हर इंसान उसनू स्वीकार कर सके। वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है बहुत लोग जो मांस खाते ही नहीं है उन सभी लोगों के लिए भी प्रभु अपने जीवन देता है। तो इसी करके जो रोटी और दाखरस जो है सब लोगों को स्वीकार करने मतलब परमेश्वर ने अपने जो वचन दिता है वो पूर्ण तौर पर साढ़े लिए दिता है। पवित्र वचन जड़ी है लिखती रूप दे विच उन्हें सान दिता है अते जो रिवायतां साढ़े को आया है उस दे विच सब तो जो रीत जड़ी साढ़े लिए पालना करन लिए दिता है पवित्र कुरबानी पाकमास की कुरबानी जिदे विच प्रभु अपना बदन जो वचन देहधारी हो के इंसान बना इसी तरह ही प्रभु येशु जो वचन सानू दिता उस दे नाल वो देहधार हो के साढ़े लिए अपना बदन भी दिंदा है रोटी दे रूप दे विच वो सानू दे दिंदा है ताकि असी उस दे राही जीवन प्राप्त करिए। ते असी अज ये जड़ियां गल्लां जो देखा है सुना है समझा है इन्हों थोड़े सा समझना चाहिए है। खुदा बाप ने जदों अपने आप यानी पाक तसलीस खुदा जदों अपने आप नूं प्रगट कीता इंसान उत्ते जिस तरह परमेश्वर है उसी तरह वो प्रगट करेगा तो इंसान उसनों स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि परमेश्वर दी जो गुण उसकी शक्ति उसकी जो स्वभाव है इंसान तो अलग है। इंसान उस दे सामने जिस तरह बोलेगा कि सूरज नू सीधे देखना नहीं चाहिए है क्योंकि जेकर तुसी सूरज नू 12 बजे ऊपर अपने आँख उठा के सूरज वल अपने अख लाएंगे तो तुसी अन्ना हो जाएंगे फिर आगे तुसी कुछ देख नहीं पाएंगे। ठीक इसी तरह ही परमेश्वर नू इंसान सीधे देख नहीं सकेगा इसी करके वचन कहिंदा इंसान परमेश्वर नू देखेगा तो मर जाएगा। असी इस करके ये समझते हाँ कि परमेश्वर दी प्रगटावा परमेश्वर ने बड़ी दया दे नाल बड़ी हलीमी दे नाल अपने आप नू साढ़े वांग एक छोटा एक क्रीचर एक सृष्टि बना दिता है। सिर्फ इतना ही नहीं अपने आप नू इतना वो हलीम बनाया छोटा बनाया कि वो सिर्फ साढ़े वांग बनने लई नहीं साढ़े लई
ਬਦਨ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਯੇਸ਼ੂ ਬਦਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਹੈ, ਯੇਸ਼ੂ ਦਾ ਬਦਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਕਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਰ ਯੇਸ਼ੂ ਦਾ ਬਦਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਕਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਿਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਤਨਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਦਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਕਸ਼ਰਾਕਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਪਾਕਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਸ਼ਰਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ TV ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ, ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਜੈ ਯਿਸੂ ਕੀ।